बरोटीवाला के पास बुरावाला में लगे एक स्टार्च उद्योग द्वारा खुले में गंदा पानी फेंका जा रहा है, जो कई बीमारियों को न्योता दे रहा है। इसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। ग्राम पंचायत बरोटीवाला के पास पुलिस स्टेशन के बिल्कुल साथ स्टार्च उद्योग ने इस कदर गंदा पानी छोड़ा हुआ है कि लोगों का जीना दुभर हो चुका है। स्थानीय लोगों ने इससे पहले भी प्रदूषण विभाग को इसकी शिकायत दी थी व विभाग ने उद्योग के गंदे पानी के सैंपल लेकर उद्योग की बिजली काटने के आदेश दिए थे। बावजूद इसके भी उद्योग प्रबंधकों ने अपना रवैया नहीं बदला है व गंदे पानी का सिलसिला अभी भी जारी है। स्थानीय निवासी रामलाल का कहना है कि बड़ी हैरानी की बात है कि उद्योग ने ईटीपी प्लांट लगाया हुआ है, परंतु उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है और सारा पानी साथ लगते गांव में घुस रहा है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदूषण विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की तो मजबूरन उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। यही नहीं, लोग उद्योग व प्रदूषण विभाग का घेराव भी करेंगे। ये बांसल फ्रूट फैक्ट्री बहुत गंदा पानी छोड़ रही है। यहाँ पे आना जाना बहुत दुब्बर हो गया है। इतनी स्मेल छोड़ रही है कि यहाँ खड़े होना भी बहुत मुश्किल हो गया है। ये कितने समय से दिक्कत आ रही है आपको? ये जी कम से कम हमें 2 महीने से दिक्कत आ रही है जी। यहाँ पे कभी आपने किसी प्रशासन अधिकारी को इसकी कंप्लेंट दी? बहुत कंप्लेंट की जी, एक बार प्रदूषण वालों को भी कंप्लेंट की मैंने। जब भी प्रदूषण वालों ने फैक्ट्री कम से कम 1 महीना बंद करा रखी। हमें समस्या ये है कि यहाँ भी जो आने जाने वाले हैं उनको बहुत आने में दिक्कत हो रही है कि इतना गंदा पानी छोड़ते हैं ये। यहाँ पे गुग्गा माड़ी का मंदिर भी है, लोग आने से ही हट गए गुग्गा माड़ी में। प्रशासन से हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द इसका जो गंदा पानी छोड़ गया इसका सही निवारण किया जाए। गंदा पानी छोड़ती है इस कंपनी ये, यहाँ पे हम आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ हमारा पीछे घर बन रहा है डैम के पास, वहाँ पे बहुत पानी बदबू आती है कि रहना सहना सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। वहाँ साथ ही खेती बाड़ी भी है हमारी, और बहुत नुकसानदायक है खेती बाड़ी करना। यहाँ से आने जाने में खड़ा होने में बहुत वो है। यहाँ पे ऐसे माड़ी है गुग्गा झार माड़ी, यहाँ पे आने भी मत्था देखने भी आते हैं हम, बहुत दिक्कत होती है हमारे को आने भी आने का वो नहीं करता मन। प्रशासन से क्या मांगे आपकी? प्रशासन से हमारी ये मांग है इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए कि इसका जो पानी है वो ठीक यूज करें। इसके बारे में जब प्रदूषण विभाग के एक्सिन ब्रिजभूषण से फोन पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की शिकायत पर पहले भी उद्योग की बिजली काटी गई थी व अगर अभी भी उद्योग ने अपना रवैया नहीं बदला तो दोबारा कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सिटी चैनल के लिए बद्दी से आदित्य चड्डा की रिपोर्ट।